तो गाइस, अगर तुम लोगों को भी मेरी तरह एनीमे हिंदी डब में देखना पसंद है तो तुम इनके चैनल पर विजिट कर सकते हो। इनके चैनल का लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाओ जाके इन्हें चेकआउट कर लेना और हाँ, जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो क्या कर रही हो यार, जल्दी से जल्दी जाके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिल जाएगा। और आजकल तुम लोग चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते यार, मतलब ऐसा क्यों करते हो। मुझे तो इस वक्त तुम लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना ज़रूर वीडियो को। तो पिछली वीडियो में मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन किया था कि इन दोनों पोकेमोन में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, और तुम लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने चार्जार्ड को वोट किया और जो जो लोग विनर बने हैं इस क्विज के उन सब के नाम है ये। तो मेरी तरफ से इन सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेस, और जिन जिन भाइयों ने मेरे इन्फर्नो को वोट दिया है तुम लोग बिल्कुल सैड मत होना, हो सकता है कि आज की क्विज में तुम लोग विनर बन जाओ। तो आज का पोकेमोन है कि बताओ इन दोनों पोकेमोन में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो तुम लोगों के पास है सिर्फ 10 सेकेंड। तो अभी बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो बेसिकली हमने इस वीडियो को टोटली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि अभी पोकेमोन की किस तरह की सिचुएशन है, और हमारे सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि पोकेमोन मूवी 16 को लेकर कि वो कब आ सकता है, और हमारे थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज आखिर कब हमें टीवी पर देखने को मिलेगा, और एक बोनस पार्ट भी है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, और आज का लाइक टारगेट है 50 लाइक। आई नो कि आप लोग इस लाइक टारगेट को ज़रूर से पूरा कर देंगे, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स रॉक। पार्ट 1, पोकेमोन की करंट सिचुएशन। तो अगर अभी पोकेमोन की सिचुएशन के बारे में बात करें तो पहले के मुकाबले अभी पोकेमोन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब तुम लोग खुद सोचो यार, मतलब एक टाइम था जब हमें पोकेमोन किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है पहले के मुकाबले, और अभी हमें सीजन 30 भी देखने को मिल रहा है मार्वल्स के ऊपर, और टाइम जाते जाते भी पोकेमोन की ग्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अभी हमें पोकेमोन की मूवीज़ भी देखने को मिल रही है मार्वल्स के ऊपर। तो इस तरह शायद डिज्नी इंडिया वाले पोकेमोन को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ताकि पोकेमोन के जो फैंस है वो पोकेमोन को देखना कभी छोड़े ना, और उनकी जो TRP है वो भी अच्छी तरह से गेन रहे, और डिज्नी इंडिया वाले भी चाहते हैं कि फैंस पोकेमोन के साथ कनेक्टेड रहे, ताकि जब वो ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज़ को रिलीज़ करे तब पोकेमोन को एक अच्छी खासी TRP भी मिले। तो शायद ये डिज्नी इंडिया का प्लान हो सकता है पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज़ के फ्यूचर को लेकर। वेल, आप सबको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम जाते जाते पोकेमोन की सिचुएशन और भी अच्छी हो सकती है। तो अभी बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, जो कि पोकेमोन मूवी 16 के रिलेटेड है। तो जब पोकेमोन मूवी 14 और 15 बैक टू बैक हमें देखने को मिला हंगामा पर, तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि शायद जल्द ही मूवी 16 भी शायद हमें देखने को मिल सकता है। वो एक अलग टॉपिक था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मे भी मुझे ऐसा लगता है कि मूवी 16 हमें या तो पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज रिलीज होने के बाद देखने को मिल सकता है, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के आने के बाद यानी कि बीच में हमें पोकेमोन मूवी 16 देखने को मिल सकता है। और इसका रीज़न सीधा हो सकता है पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट की हाइप क्रिएट करने के लिए। हो सकता है कि डिज्नी इंडिया वाली ये स्टेप भी ले सकते हैं। वेल, आप लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अभी बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में कि आखिर कब हमें ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज टीवी पर देखने को मिल सकता है। तो अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और तुमने मेरे वीडियोस देखे हैं तो तुम लोगों को पता ही होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की डबिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के आगे की भी और भी कई सारे सीजन्स हैं जिनकी डबिंग भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और जिन जिन लोगों को लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की सिर्फ हिंदी डबिंग कंप्लीट हुई है और बाकी लैंग्वेजेस की डबिंग बाकी है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि पोकेमोन की हिंदी डबिंग और बाकी की लैंग्वेजेस की डबिंग एक साथ होती है। तो इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एनिमे की न्यूज़ तुम लोगों को सबसे पहले इस चैनल के ऊपर मिले। तो देखते हैं कि हमारे फाइनल एनालिटिस क्या कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज कब हमें टीवी पर देखने को मिल सकता है।
तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद अक्टूबर या नवंबर के मंथ में सीजन 40 देखने को मिल सकता है। और अगर इन दोनों मंथ में भी हमें सीजन 40 देखने को नहीं मिला तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि 2020 में हमें सीजन 40 देखने को मिलेगा। और फिर शायद 2021 स्टार्टअप के मंथ में हमें पॉसिबिलिटी है कि शायद सीजन 40 हमें देखने को मिल सकता है। और पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज रिलीज हो जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और फिर शायद 2021 के स्टार्टअप के मंथ में यानी कि अप्रैल या मई मंथ में शायद पॉसिबिलिटी है कि सीजन 40 हमें टीवी पर देखने को मिल सकता है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सो गाइस, होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा जाके उसे चेकआउट कर लो और मुझे फॉलो भी कर लेना क्योंकि आज मैं इंस्टाग्राम में लाइव आने वाला हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन।